हाय गाइज, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं वन चांस वुमन। गाइज, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम अपने फेस को शेप कैसे करेंगे, क्या क्या डूज एंड डोंट्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हमारे स्किन केयर में कोई खराबी ना आए। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइज, हेयर रिमूव करने से पहले आप ध्यान में रखिए कि आपके फेस में कोई मेकअप या मॉइस्चराइजर अप्लाई ना हो, क्योंकि उससे आपके फेशियल हेयर रिमूव करने में ना परेशानी आ सकती है। तो मेक श्योर आपने पहले फेस वॉश कर लिया हो तब ये स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले हम अपने हेयर को अच्छे से टाई कर लेंगे। उसके लिए आप क्लिप या हेयर बैंड का भी यूज कर सकते हो, ताकि जब आप अपने फेशियल हेयर रिमूव कर रहे हो तो उस टाइम परेशानी ना आए। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और अपने हेयर्स को भी टाई कर लिया है। अब हम अपने फेस में एलोवेरा जेल अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई शेविंग फोम या जेल हो तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे एलोवेरा जेल कंफर्टेबल लगता है और इजीली मेरे हेयर्स भी रिमूव हो जाते हैं। तो गाइज, आज मैं ये रेजर यूज करने वाली हूँ। ये रेजर आपको 3K पेयर में मिलता है और ये इजिली आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन में भी मिल जाता है। इस रेजर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो अगर आपको चाहिए तो आप जाके ले सकते हो। तो गाइज, ये रेजर बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है। आप इससे 20 से 25 शेव आराम से कर सकते हो, और अगर आप बिगनर हो ना तो इसके लिए आप डेफिनेटली जा सकते हो। मैं अपने फेस को एक मंथ में एक बार ही शेव करती हूँ, क्योंकि मेरा उतना ज्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है और उतना ज्यादा शो नहीं होता है। बट आपके हेयर ग्रोथ पे डिपेंड करता है, आप उसके अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हम एलोवेरा जेल अप्लाई करने वाले अपने फेस पे। मैं उस एरिया में एलोवेरा जेल पहले अप्लाई करूंगी जहां से मैं शेविंग स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर इसे आप अपने पूरे फेस में अप्लाई करके छोड़ दो ना और किसी एक एरिया से अपने हेयर्स को रिमूव कर रहे हो तो ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े एरियाज में अप्लाई करके अपने हेयर्स को रिमूव करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले अपने चीक्स के हेयर रिमूव करने वाली हूँ, इसलिए मैं अपने चीक्स पे पहले एलोवेरा जेल अप्लाई कर ले रही हूँ। इस रेजर के साथ आपको एक कैप भी मिल जाता है, तो आप आराम से इसे कहीं भी रख सकते हो। अपवर्ड डायरेक्शन में कभी भी रिमूव नहीं करनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स ग्रोन है ना, उसी डायरेक्शन में हमें हमेशा इस रेजर को यूज करना चाहिए। कभी भी हमें इसे ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा इसे डाउनवर्ड की तरफ यूज करना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे आपको यूज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको ऐसे एकदम हल्के हाथों से इसे प्लेस करना है अपने चीक्स पे या फिर जिस भी एरिया में आप हेयर रिमूव कर रहे हो, और इजीली से धीरे 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 अपने हेयर्स को रिमूव करना है डाउनवर्ड की तरफ, और छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अपने हेयर्स को रिमूव करें। और अगर आपके फेस में कोई एक्टिव एक्ने हो तो उसके ऊपर आप शेव बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसके अंदर जो पस होता है ना वो फैल के और भी ज्यादा एक्ने फॉर्म कर देगा, तो प्लीज कीप इन माइंड। और अगर आपको अपनी स्किन थोड़ी लूज लग रही है ना, तो आप अपने दूसरे हाथ से अपने स्किन को थोड़ा स्ट्रेच करके इसे यूज कर सकते हो। गाइस, ये मेथड ना सबसे पेनलेस मेथड है। अगर आप वैक्सिंग या थ्रेडिंग के लिए नहीं जाना चाहते हो तो इस मेथड को जरूर ट्राई करें। आपको कोई भी पेन नहीं होने वाला है और आपके हेयर्स भी इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब अपने अपर लिप्स के हेयर को रिमूव करने के लिए अपना टंग का भी यूज कर सकते हो, उससे भी थोड़ी स्किन स्ट्रेच हो जाती है और आराम से इजीली आपके हेयर्स भी रिमूव हो जाते हैं। तो गाइस, अब हम अपने फोरहेड के हेयर रिमूव करने वाले हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपके हेयर्स जिस भी डायरेक्शन में हैं, आप उसी डायरेक्शन में अपने हेयर रिमूव कर रहे हो। मेरे आईब्रो के ऊपर वाले हेयर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं शेव भी उसी डायरेक्शन में करने वाली हूँ। आप देख लीजिए कैसे। तो यहाँ पे मैं पूरे ब्लेड को यूज नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं पूरा ब्लेड यूज कर रही हूँ ना, तो आप देख सकते हो मेरे आईब्रो के या तो मेरे हेड के बाल हट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस ब्लेड के टिप को यूज करने वाली हूँ। आप देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने टिप प्लेस किया है और इधर से थोड़ा ऐसे टिल्ट करके रखा है, और इसे धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रोक्स में रिमूव करेंगे। तो जैसे जैसे हम अपने आईब्रो के करीब आते जाएंगे ना, क्योंकि मेरा आईब्रो यहाँ से ऐसे डाउनवर्ड गया है, तो मैं इस रेजर को ऐसे डाउनवर्ड की तरफ और ऐसे स्ट्रेट यूज करूंगी। अगर यहाँ पे कर रही हूँ तो इसे ऐसे यूज करूंगी, और अगर यहाँ पे जा रही हूँ तो इसे थोड़ा ऐसे टिल्ट करके यहाँ पे ऐसे यूज करूंगी। अब अपने दूसरे हैंड को भी यूज कर सकते हो यहाँ पे अपने हेयर्स को अपने फेस से हटाने के लिए, और अपने स्किन को भी ऐसे स्ट्रेच करने के लिए, ताकि आपको हेयर रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अगर आप रिमूव कर रहे हो ना, तो इजिली सारे हेयर्स भी रिमूव होंगे और कोई कट भी आने के चांसेस नहीं रहेंगे।
तो हम जैसे जैसे अपने आईब्रो के करीब आते जाएंगे ना, वैसे जिस डायरेक्शन में भी आपका आईब्रो हो उसी डायरेक्शन में आप इस ब्लेड को प्लेस करके अपने हेयर्स रिमूव करें। और अगर आप बिगनर हो तो अपने आईब्रो से थोड़ा ऊपर ही अपने बाल को रिमूव करके छोड़ दीजिए, वरना आईब्रो भी आपका खराब हो सकता है। फेशियल हेयर्स तो आपके रिमूव हो ही रहे हैं, साथ साथ में आपके डेड स्किन भी रिमूव हो जाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन काफी सॉफ्ट और बहुत ही क्लियर अपीयर होती है। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी इजीली मेरे हेयर्स रिमूव हो गए हैं। ये उतना ज्यादा आपके फेस में नहीं लगता जैसे नॉर्मल आपके ब्लेड्स होते हैं, वैसा बिल्कुल आपके स्किन को हर्ट नहीं करने वाला है। हल्के हल्के हाथों से और छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अगर इसे आप अपने हेयर रिमूव कर रहे हो ना, तो बहुत ही इजीली आपके हेयर्स हट जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव करके बता रही हूं आपको, बट आईब्रोज के हेयर कैसे रिमूव करते हैं वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगी। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या डूज एंड डोंट्स फॉलो करने चाहिए ड्यूरिंग सेविंग्स। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, पीस।